आपने अपमान शब्द बोले है, अभी मुस्लिम जो अपमान शब्द आया है, मान और अपमान, हाँ उसमें भक्ति गायन में गायन हरिहर निंदा सुनि जो काना पाप लगे गुरु घास माना के सच है। तो गऊ है, उन्होंने गऊ स्थूल जानवर गऊ को समझ लिया है, और जानवर गऊ की हत्या को वो पाप समझते हैं। अब जानवर तो सब जानवर एक ही जैसे हैं, चाहे गऊ हो, चाहे बैल हो, चाहे मछली हो, चाहे पशु पक्षी कोई भी हो, जानवर तो जानवर बुद्धि होते हैं। उन जानवरों से ये आशा नहीं की जा सकती है कि वो पवित्रता को पालन करेंगे ज्ञान लेकर के। ये तो कन्याओं माताओं रूपी गहुओं की बात है, और उनमें भी जो भारत की कन्याएं माताएं हैं, जो बड़ी सीधी शादी होती है, इतनी सीधी शादी होती है कि उनको जीवन भर के लिए जिस खूंके से बांध दिया जाता है, बिचारी उसी एक खूंके से बंद करके रहती है। ऐसी गऊएं सीधे सच्चे स्वभाव वाली पवित्रता को पालन करने वाली होती है, जो खूंटा उखाड़ करके भाग जाती है, बहेल गऊएं बन जाती हैं, वो विदेशी गऊएं हैं, वो एक छोड़ करके दूसरा, दूसरा छोड़ करके तीसरा डाइवोर्स देती रहती हैं और नए नए परिवार बनाती रहती हैं। वो पवित्रता का पालन नहीं कर सकती, नरक का दरवाजा खोल करके बैठ जाती हैं। उन विदेशी गऊओं की पूजा नहीं होती है, और विदेशों में गऊओं की पूजा नहीं होती है, कौन से देश में होती है? भारत देश में गऊओं की पूजा होती है। अब गोरखपुर वालों को तो ये बात बहुत अच्छी तरह गहराई से समझनी चाहिए, क्योंकि गोरखपुर के ब्राह्मणों ने ये गऊओं की रक्षा का आंदोलन अच्छे और सच्चे रूप में किया होगा, तब गौ रक्षपुर की स्थापना हुई है। तो साधु सन्यासी तो जानवर गऊओं की गौ रक्षा आंदोलन मनाते रहते हैं, और गऊओं की संख्या काटने वालों की भी बढ़ती जाती है, और गऊओं की भी कटने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। अभी तो बाप आए हैं, सच्ची बातें बना करके, सच्ची बातें सुना करके, सच्ची सच्ची गऊओं की सुरक्षा का आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। तो उसमें सक्रिय सहयोग लेकर के, सक्रिय सहयोग दे करके संसार में जो गीता का केंद्र बना है, कौन सा शहर है जहाँ गीता का प्रचार प्रसार सबसे जास्ती होता है दुनिया में? गोरखपुर। सारी को संपन्न करना चाहिए। आपके प्रश्न का जवाब मिला? इसलिए
एडवांस ज्ञान। सबसे पहले अगर कोई हुजूम ने उठाया है तो गोरखपुर वालों ने उठाया, फरुखाबाद वालों ने नहीं उठाया। किसका नंबर पहले लगा? गोरखपुर का पहले नंबर लगा। जिनका नंबर लगा है उनके ऊपर जिम्मेवारी भी आ जाती है कि हम गांवों का घात नहीं होने देंगे, गांवों की जी जान से सुरक्षा करेंगे और सच्ची सच्ची गौशालाएं खोलने में और खुलवाने में ईश्वरीय कार्य की मदद करेंगे। उन्होंने तो भक्ति मार्ग में गोपाल का कन्हैया दिखाई दिया था, वास्तव में गौओं की रक्षा राम और कृष्ण की आत्माएं नहीं करती है। जो गीता का असली भगवान है निराकार शिव शंकर भोलेनाथ, वो शिव ही आकर के राम कृष्ण और उन जैसी आत्माओं के द्वारा गौओं की रक्षा का कार्य करवाता है। घात होने से बचाता है, ये दुनिया का बड़े से बड़ा पाप माना जाता है। क्या है वो पाप? गौ घात समान, इससे बड़ा पाप और कोई होता नहीं है। अब अपने अपने दिल में पूछे, यहाँ गौओं की हत्या करने वाले मुसलमान कितने बने बैठे हैं? ज्ञान में आने के बाद अगर ऐसा कोई पाप हो जाता है तो कौन से धर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा? है कौन से धर्म वाले हैं जो गौओं को काटते हैं? मुसलमान धर्म के लोग हैं जो गौओं की हत्या कर देते हैं। हत्या हो जाती है तो गौ को अंत समय का वो नजारा ही याद आता रहता है, अंत मते दो गते हो जाती है। असली गौ है कन्या, कन्या के ऊपर जिस पहले पुरुष की छाप पड़ती है वो जीवन भर भूलता नहीं है। अगर ईश्वरीय कार्य के लिए अर्पण भी कर दिया जाए तो वो भगवान की नहीं बन पाती, उसका बुद्धि लोग बाहर की दुनिया में भागता रहता है। कितना बड़ा पाप हो गया। भगवान आते हैं शिवालय बनाने के लिए और गौ घात करने वाले क्या करते हैं? शिवालय को वैश्यालय बनाते हैं। और ये जो दो कलाएं पहचान तो मुझे कौन सी कलाएं हैं? जो चंद्रमा की कलाएं कम होती है वो कौन सी कलाएं हैं? अलग अलग कलाएं हैं, यह चंद्रमा की रोशनी है, चंद्रमा की रोशनी है, रोशनी का मेजरमेंट है।
आत्मा की रोशनी का मीजरमेंट है 16 कला संपूर्ण। कृष्ण की आत्मा अर्थात ब्रह्मा की आत्मा, दूसरे शब्दों में कहें चंद्रमा की आत्मा, जब कलाहीन हो जाती है तो अमावस्या कही जाती है। क्या? अमावसी आए के दिल में, किसके दिल में? कृष्ण के दिल में अम्मा आए के बस गई। तो कृष्ण गीता का भगवान बन करके बैठ जाता है, धरणी की छाप पड़ जाती है, वैसे भी देखा जाता है। जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो एक तरफ चंद्रमा, बीच में पृथ्वी और दूसरी तरफ सूर्य, सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी की परछाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है। वो ज्ञान चंद्रमा भी कन्याओं माताओं के परछावे में आ जाता है, भगवान के परछाए से निकल जाता है। पढ़ना चाहिए ज्ञान सूर्य का परछाया, वो धरणी के परछावे में आ जाता है और धरणी वासी फिर उल्टा ही समझते हैं, क्योंकि सत्ती का पहला पत्ता अंधेरे में आ गया तो और पत्ते उजेले में रहेंगे क्या? सब अंधेरे में आ जाते हैं। धरणी वासी समझते हैं कि चंद्रमा पर ग्रहण लग गया, लेकिन ग्रहण लगाने का निमित्त कौन बनता है? कौन बना? धरणी, वही कन्या माताएं जो अज्ञानी बन जाती हैं, भगवान को पहचान करके भी नहीं पहचान पाती, महाकाली का रूप धारण कर लेती है, महाकाली की भुजाएं बन जाती है और दुनिया को अंधेरे में ला करके दुनिया का सर्वनाश कराने की निमित्त बन जाती है। ये भगवान बाप कहते हैं कि शंकर विनाश नहीं करता है, विनाश कौन करती है? असुर संहारिणी गाई हुई है, असुर संहारिणी कठिया गाई जाती है। वो असुर जो भगवान को नहीं पहचान पाते, देवियों की पूजा में मदमस्त हो जाते हैं, इतने मदमस्त हो जाते हैं कि अपने बाल बच्चों को भी दूध नहीं पिलाते, पत्नी बीवी बाल बच्चों की अवमानना करने लग पड़ते हैं और उनको मंदिर बना करके वस्त्र नैवेद्य घी दूध अर्पण अर्चना करते रहते हैं। अंत में जब भगवान बाप प्रकट होता है तब उन्हें पता चलता है, अरे ये देवियां नहीं, ये तो राक्षसियां हैं, फिर डूबी जा डूबी जा, नाटकबाजी करते हैं। राम के सामने परशुराम को दिखलाया गया, इसका मतलब भक्ति मार्ग में भगवान को सर्वव्यापी समझ लिए, वास्तव में
भगवान सर्वव्यापी नहीं है। संगम युग में जब भगवान बाप आते हैं तो बाप की याद की जो शक्ति है वो सर्वव्यापक हो जाती है। उस शक्ति को जो ब्राह्मण पक्के हैं, सूर्यवंशी बनने वाले हैं, वो 16 कला संपूर्ण ग्रहण कर लेते हैं। जो थोड़े कच्चे रह जाते हैं, फेलियर हो जाते हैं, 33% मार्क से नीचे आ जाते हैं। वो 14 कला चंद्रवंशी कहे जाते हैं। राम भगवान उनको भक्ति मार्ग में कह दिए है। कोई भगवान ऐसे भी है जो राम जैसे क्षत्रियों के वंश का संहार करने वाले हैं। वो 4 कलाओं को क्रॉस करने वाले हैं। उनमें अव्वल नंबर नाम है परशुराम का। उनके पास बड़े से बड़ा शस्त्र कौन सा होता है? फरसा। फरसा है बिगड़ा हुआ रूप। असली नाम है स्पर्श। वो जो उनकी स्पर्श शक्ति है जिस किसी भी शिष्य को स्पर्श कर देते हैं वो अपूर्ण शक्ति वाला बन जाता है। वो स्पर्श शक्ति से जब क्रोध में आते हैं तो 14 कला जो क्षत्रिय वंश वाले थे जिन्होंने 14 कला का पार्ट बजाया था, कलयुग के आते आते उन क्षत्रियों का भी संहार कर देते हैं। वो भी शूद्र बन जाते हैं। वास्तव में भगवान तो कलातीत होता है। 4 कलाओं में, 14 कलाओं में या नारायण की 16 कलाओं में बंधा हुआ भगवान नहीं है। वो तो सब देवताएं हैं। भगवान को तो शास्त्रों में ही एक तरफ शास्त्रकारों ने ही गाया हुआ है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। कलाओं से परे है, कलातीत है। सारी सृष्टि का, मनुष्य मात्र का ही नहीं, प्राणी मात्र का कल्याणकारी है। पुराने कल्प का अंत करने वाला है। ये कार्य भगवान के सिवाय कोई कर ही नहीं सकता। राम ने कहा मित्र वंश की यश पर उठाई अभय हो जो तुम्हें दे आई। एक बार फिर बोलो, प्रबंध की अर्थ प्रभुताई है। अभय हो जो तुम्हें दिया है, राम ने कहा परशुराम से। अभय वो हो सकता है जो जो विप्रबंध की अर्थ प्रभुताई। विप्र माने ब्राह्मण,
ब्राह्मण वंश की यही प्रभुताई है जो अभय हो जो हम हो डराई। हाँ, जो तुम्हें डराई माने जो तुमसे डरे। तुमसे डरे का मतलब क्या हुआ? राम जो है भक्ति मार्ग में भगवान को माना गया है और भगवान का पार्ट सबसे ऊंचा होता है। जो सबसे ऊंचा है वो कोई से डरेगा क्या? इसलिए परशुराम को राम और लक्ष्मण के सामने हार खानी पड़ती है क्योंकि वो भयभीत नहीं होते हैं। और जोर से बोलो। रचना है बड़ी माँ ब्रह्मा बड़ी। हाँ जी, ब्रह्मा कहो बड़ी माँ कहो बात एक ही है। रचना रचना को समझा नहीं सकते है। रचना रचना को नहीं समझा सकती है। समझाने वाला तीसरा भाव है। दूसरी रचना है शिव बाबा है। दूसरी रचना है शिव बाबा। दूसरी रचना है जो बाबा कहता है कि रचना है, ये कहाँ से लिख लिया है? एक वयोवृद्ध पूछ रहे हैं शास्त्रों से प्रश्न और दूसरा वयोवृद्ध पूछ रहा है मुरली से प्रश्न और मुरली भी झूठी कर दी। ऐसा कोई मुरली में नहीं बोला है कि शिव बाबा रचना है। शिव बाबा को रचयिता है, शिव को रचयिता नहीं कहेंगे, शिव बाबा को रचयिता कहेंगे। रचयिता भी साकार चाहिए और रचना भी साकार चाहिए। अगर ब्रह्मा दादा लेखराज को रचयिता कहे तो वो अपनी रचना कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी को समझा सकता है। लेकिन ब्रह्मा तो रचयिता नहीं है। ब्रह्मा का अर्थ ही क्या है? बड़ी माँ। इससे साबित होता है कि कोई बड़ा बाप है नहीं है, है? तो जो बड़ा बाप है वो ही रचयिता हो गया। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं जय माता दी, सारी रात नारा लगाते हैं जय माता दी जय माता दी। उनकी बुद्धि में है कि माता के पीछे कोई पिता भी बैठा हुआ है। माता ने जो कार्य किए हैं असुरों को संहार करने के, उस कार्य को कराने वाला प्रेरणा देने वाला कोई बाप माँ से भी ऊपर बैठा हुआ है। नहीं जानते। ऐसे ही जो ब्राह्मण ब्रह्मा को ही रचयिता मानते हैं, वास्तव में ब्रह्मा रचयिता नहीं है। इसलिए मुरली में बोला है ब्रह्मा का बाप कौन? तो पूछने वाला जानता है तब तो पूछ रहा है। माने ब्रह्मा का भी कोई बाप है और मुरलियों से साबित होता है कि ब्रह्मा को भी अपने साक्षात्कारों का अर्थ पता ही नहीं था। इस ज्ञान का उनको पता नहीं था। कोई ने उनके बुद्ध रूपी धरणी में ये बीज डाला ज्ञान का, इन साक्षात्कारों का क्या अर्थ हुआ?
वो ही रचयिता हुआ। अगर ब्रह्मा रचयिता होता तो जगदम्बा में प्रवेश करके जो ब्रह्मा जगदम्बा का पाठ बजाता है, जिस जगदम्बा की पूजा होती है, वो जगदम्बा को सही पढ़ाई पढ़ाएगा या गलत पढ़ाई पढ़ाएगा? है सही पढ़ाई पढ़ाएगा? जगदम्बा तो महाकाली का पाठ बजाने लग पड़ती है और उसके मस्तक पर चंद्रमा दिखाया जाता है, तो सही पढ़ाई पढ़ाई चंद्रमा ने उसके मस्तक में प्रवेश होकर के या व्यक्ति के संगार की पढ़ाई पढ़ाई, उस संगार के कारी से असुर संगारणी नारी से लक्ष्मी बनती है या उस लक्ष्मी को गवाए बैठती है, क्या होता है? अपने पद को गवाए देती है। तो ब्रह्मा दुनिया का सबसे बड़ा देहधारी धर्मगुरु साबित होता है। वो भी पढ़ाई पढ़ा करके कोई का कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मा रचयिता नहीं है, ब्रह्मा भी रचना है और रचना का कल्याण नहीं कर सकती। और गुरु बाबा के द्वारा विश्व की बाधाई नहीं होती है। यह गुह राज है, यह गुह राज है, गुह राज है जी, रजाई की। हाँ, विश्व में शिव बाप जब आते हैं तो जिस सन के द्वारा शिव बाबा संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, उस सन के द्वारा विश्व की बादशाही भोगते हैं, महलों में रहते हैं, कि कांटों के जंगलों में ही रहते हैं, पहाड़ों की ऊंची स्टेज पर निवास करते हैं, राजाओं की तरह महल माणियों में रह करके मान मर्तबा स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर विश्व की बादशाही कौन लेता है? अरे कोई लेता है या झूठी बात कह दी? हाँ, जो बाप के बच्चे हैं, जिन्हें अष्टदेव कहा जाता है, आप दिग्पाल गाए हुए हैं, दिग माने दिखाए, आठों दिशाओं की पालना करने वाले हैं, सारी दुनिया के ऊपर 500 करोड़ की शक्ति के ऊपर आठों दिशाओं में आठों धर्मों की आत्माओं को कंट्रोल करने वाली जो आत्माएं हैं, वो विश्व की बात से ही लेती है। सारे विश्व में प्रत्यक्ष होकर के मान मर्तबा लेती है, वो महल मारियों अटारियों में भी रहती है, लेकिन बाप विश्व की बात का ही नहीं लेता है, सिर्फ गाया जाता है विश्वनाथ। लेकिन वो बेताज बादशाह है, विश्व की बात का ही लेने वाले बच्चों के दिलों पर राज्य करता है। कोई भी ताज धारण नहीं करता, मान मर्तबा नहीं लेता, इसलिए
ये वही राग गाया हुआ है। भूयात भूय तरम ज्ञानम, भूय ज्ञान है बेसिक नॉलेज, दुनिया का जो शास्त्रों का ज्ञान है उसको भूय ज्ञान नहीं कहेंगे, शास्त्रों के ज्ञान को मुरली में क्लियर किया गया है बेसिकली, वो गुह्य ज्ञान है, परंतु उससे भी गुह्य ज्ञान निकल पड़ता है, उसे कहते हैं गुह्यात गुह्य तरम, गुह्य से गुह्य राग समझाता हूं, वो हुआ एडवांस नॉलेज। तो जो गुह्य ज्ञान लेते हैं सिर्फ, वो मान मर्तबा भोगने लग पड़ते हैं, अभी प्रैक्टिकली भोग रहे हैं, और जो गुह्य से गुह्य राज को समझने वाले हैं वो पक्के ब्राह्मण, मान मर्तबा भोगने में नहीं लगे रहते, वो मान मर्तबे से अपने को दूर रखते हैं, बाप ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर के प्रैक्टिकल में आया हुआ है, तो बच्चे भी क्या होने चाहिए है, ओबीडिएंट सर्वेंट ही बनकर के रहना चाहिए, ब्राह्मणों को कोई भी प्रकार की राजाई नहीं लेनी है, राजाई माने कंट्रोलिंग पावर, दूसरों के ऊपर हुक्म नहीं चलाना है, जो यहाँ हुक्म चलाए लेंगे राजाई भोग लेंगे, उनकी राजाई वहाँ कम हो जाएगी। और है? है? सब संबंधों की बाबा से अनुभूति कैसे करें? प्रश्न किसी अधर कुमार का नहीं आया है, अधर कुमारी का नहीं आया है, कुमार का प्रश्न है, कोई गुजरात है, लेकिन गुजरात मुरली में ही बाबा ने बताया हुआ है, कुमारों को जब भी बाप के नजदीक आना है, क्योंकि संबंध तो नजदीक आकर के जोड़े जाते हैं ना, संबंध का अर्थ ही है सम माने संपूर्ण, बंधन माने बंधन, संपूर्ण बंधन, और उन संबंधों में जो मुख्य संबंध है जो कुमारों को बहुत तंग करता है, तंग होना, परेशान होना, ये परचिंतन से आता है या स्वचिंतन से आता है? परचिंतन पर है शरीर और स्व है आत्मा, कुमार देह के चिंतन में ज्यादा रहते हैं, इसलिए दुनिया के जो बड़े बड़े विचारक हैं उन्होंने ये बात बोल दी है कि कुमारों की एक चिंता और अधर कुमारों की 9999 चिंताएं एक पलड़े में रखी दी जाए बराबर नहीं होंगी, कुमार की एक चिंता भारी हो जाएगी, माथा ही खराब कर देती है, माथा खराब करने का रिजल्ट ये होता है
इस ज्ञान में अधर कुमार भी चलते हैं, कुमारियां भी चलती हैं, अधर कुमारियां भी चलती हैं। चलते चलते ज्यादा माया हप किसको करती है, है? कुमारों को बहुत हप करती है। कारण क्या है? कारण है एक, जो तंग होते हैं, परेशान होते हैं, वो तभी परेशान होते हैं जब स्वस्थिति की शान में नहीं रहते। मैं आत्मा हूँ, मैं स्त्री या पुरुष नहीं हूँ, क्या हूँ? आत्मा हूँ। और जब कुमार आत्मा है तो वायुमंडल के अनुसार, व्यक्तियों के अनुसार, वातावरण के अनुसार आत्मा अपने को मोल्ड कर सकती है या नहीं कर सकती है? कर सकती है। तो बाबा ने कब कहा कि मेरे नजदीक आओ, मेरे से संबंध जोड़ो, उस समय देवान में रहूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को वो चाहिए। बाबा ने तो नहीं बोला, ये देवान हुआ या आपका विमान हुआ? देवान है। देवान में रह करके अगर बाप से मिलन मेला मनावेंगे तो तंग होंगे, परेशान होंगे, या परेशानी दूर होगी? तंग होते रहेंगे। तंग होते होते दिमाग में ये संकल्प चलते हैं कि बाबा की तो बेहद की गृहस्थी है, बाबा की तो तृप्ति हो जाती है। जो अधर कुमार अधर कुमारियां हैं उनकी भी गृहस्थी है, उनकी भी तृप्ति हो जाती है, और जो कुमारियां हैं वो बाबा की बन जाती हैं, उनके भी संबंधों की तृप्ति हो जाती है। हम क्या करें? लेकिन गलती कहाँ करते हैं? वो गलती याद नहीं आती। याद के टाइम पर और मुर्गी के टाइम पर खास नींद आती है, और सारे दिन के टाइम पर नींद नहीं आती है। रात को सोते हैं तो भी नींद नहीं आती है, यहाँ तक के अमृत वेला में सो जाता है। तो इसका क्या कारण है कि जब मुरली का टाइम आता है तब नींद आती है, याद का टाइम होता है तब नींद आती है? इसका कारण है त्रेसठ जन्म जो पाप किए हैं उनका एक गुना पाप करता है, और ब्राह्मण जीवन में आने के बाद, बाप को पहचानने के बाद, वो कड़े कड़े पाप बार बार करते हैं, तो सौ गुना बोझ करते करते बुद्धि जाम हो जाती है। और जब बुद्धि जाम हो जाती है, आत्मा कमजोर हो जाती है, तो दूसरे दूसरे धर्म की जो आत्माएं हैं, जो ब्राह्मणों की दुनिया में कमजोर ब्राह्मण बन करके शरीर छोड़ रही है, वो आत्माएं प्रवेश करती है आत्मिक स्थिति में न रहने वालों के ऊपर, और उनको अपने अधिकार में कर लेती है,
वो न खुद ज्ञान सुनना चाहती है और न दूसरों को सुनने देना चाहती है। इसलिए वो कुंभकर्णों का हुजूम है, ये भारतवासी कुंभकर्ण है जो न खुद ज्ञान सुनते हैं और न बाबा के बच्चों को ज्ञान सुनने देते हैं। इसलिए जिनको ज्यादा नींद आती है उनके लिए बाबा ने एक दवाई बताई है, वो कई बार सुनी भी होगी, एक ड्रापर में सरसों का तेल डाल के रखो जेब में और जैसे ही नींद आए आधा बूंद लिया एक आंख में लगा दिया, आधा पौना घंटा तक उसका असर रहेगा, नींद नहीं आएगी। आधा पौना घंटे के बाद जब दोबारा नींद आए तो दूसरी आंख में आधा बूंद लगा। हाँ जी, है? हाँ, एक कुमार ये भी होगा, बड़ी भारी समस्या है। इस समस्या के कारण न दुनिया में टिक पाते हैं, न बीके में टिक पाते हैं, न पीवीके में टिक पाते हैं। समस्या ये है कि भगवान आता है तो भगवान आने के बाद सब संबंध जोड़ता है, घोषणा करता है कि बच्चे मेरे साथ सब संबंध जोड़ लेने चाहिए इस संघ में उन्हें। अगर कोई संबंध में अतृप्ति रह जाएगी तो 63 जन्म वो अतृप्ति में खाली खाली रहेंगे, बड़े पूरे नहीं रहेंगे। तो कुमारों की ये समस्या होती है कि बाबा आता है संग में भी दुनिया में तो हम तो कुमार हैं, कुमारी तो है नहीं, अच्छी तरह देखते हैं, है, 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 कुमारी है, कुमारी नहीं है, कुमारी है। और बाबा, बाबा तो ऊपर से आया ना, तो जो ऊपर से आने वाला है वो आत्मा है या शरीर है, इतना तो जानते हैं, क्या है? आत्मा। और आत्मा जो ऊपर से आने वाली आत्मा है वो कभी भी शरीर नहीं बनती है, देहधारी नहीं बनती है। अगर किसी शरीर में प्रवेश भी करती है तो भी आत्मा बन करके रहती है या शरीर बन जाती है, देहधारी बन जाती है, आत्मा रहती है। अब दो बातें हो गई, एक आत्मा का नाम दिया है पुरुष, आत्मा का नाम क्या है? पुरुष। ये पूरी है शरीर रूपी और स माने आराम करने वाली, शरीर रूपी पूरी में स स माने सोने वाली आराम, जैसे विष्णु है सांपों की सैया है, सांप तो बड़े विकारी होते हैं, उन विकारी सांपों की सैया के ऊपर भी आराम से सोया पड़ा, ऐसी स्टेज में जो रहे उसको कहते हैं पुरुष आत्मा। शरीर रूपी पुरी में होते हुए भी जैसा शिव के मंदिर में दिखाया है,
पार्वती का शरीर दिखाया है और शिव को दिखाया है, है शरीर रूपी पूरी के अंदर, तो भी हरकत में आता है, बेचैनी में आता है, चंचलता में आता है या आराम से पड़ा हुआ है, है? आराम से पड़ा हुआ है, उसको कहते हैं प्रकृति के ऊपर कंट्रोल करने वाला पुरुष। वो पुरुष है, स्त्री नहीं है। जो चंचल पुरुषों के चंचलता के संपर्क संसर्ग में आने मात्र से ही चंचल हो जाती है, सैकड़ों नहीं 16,000 रानियां गाई हुई है, उनके संसर्ग संपर्क में आने पर भी हरकत में नहीं आता, निश्चल रहता है, अमोघ वीर्य कहा जाता है उसको, कहा जाता है सच्चा पुरुष। बाकी तो सच्चे पुरुष है ही नहीं, शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने की ताकत ही नहीं आती, इसलिए बार बार अनिश्चय बुद्धि होते रहते हैं। प्रश्न आता है कि भगवान स्त्री है या पुरुष है, अब बताओ, भगवान अगर स्त्री होता तो संसार में स्त्री के रूप में पूजा होनी चाहिए या नहीं है? होती है, ब्रह्मा कुमारियां मानती होंगी गुलजार दादी में भगवान, परंतु भक्ति मार्ग में पूजा तो नहीं होती। स्त्री रूप को भगवान नहीं कहा जा सकता, अगर भगवान स्त्री रूप में आ जावे तो क्या होगा, जितने भी दुर्योधन दुशासन पुरुष है उसे स्त्री को प्रदूषित कर देंगे या प्रदूषण से मुक्त रखेंगे, प्रदूषित कर देंगे, इसलिए भगवान स्त्री बन करके नहीं आता है, भगवान तो सदैव ही पुरुष है, शरीर रूपी पुरी में आराम से सोने वाला है, कभी उसको बेचैनी नहीं होती है। तो अगर ये शंका आती है कि भगवान स्त्री बनता है कि नहीं बनता है, अगर बन जाए तो पकड़े, कुमार नर से नारायण नहीं बन सकते, ये तो आप कहते हैं, मुरली में तो नहीं कहा, मुरली में तो कहा, व्यक्तवाणी में तो बोला कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं, सिंगल देवता की पूजा नहीं होती, लेकिन तुमने ये कैसे जान लिया कि कोई कुमार जीवन है और कुमार जीवन में रहते हुए अगर पुरुषार्थ करता है तो कुमार होते हुए भी वो नर से नारायण नहीं बन सकता, नारायण तो कहा ही तब जाता है जब लक्ष्मी साथ देने वाली हो,
अगर नारायण के साथ लक्ष्मी नहीं है तो सन्यासी हुआ ये प्रवृत्ति मार्ग वाला हुआ, ऐसा उल्टा उल्टा ज्ञान उठा रहे। राजतंत्र तब लागू होगा जब हम ब्राह्मण अपनी इंद्रियों पर राज करना शुरू करेंगे। जब ब्राह्मण अपनी इंद्रियों पर राज करना असंभव समझते हैं या फेलियर हो रहे हैं तब तक ये राजतंत्र शुरू नहीं होने वाला है। इसका डेट वही है जिस डेट को निश्चित कर दिया जाए शिव जयंती की डेट कोई है? है नहीं है? अरे जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। शिव जयंती की डेट होती है? नहीं होती है। शिव का जन्म होता ही नहीं। शिव बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, बच्चे के द्वारा जन्म लेता है। तो राम और कृष्ण का जन्म होता है, राम और कृष्ण वाली आत्माओं का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होना है और वो प्रत्यक्षता तभी होगी जब वो राम कृष्ण वाली आत्माएं ब्राह्मणत्व के संपूर्ण संस्कार को धारण कर लेंगी। संपूर्ण ब्राह्मण माने संपूर्ण इंद्रियों पर कंट्रोल। प्रत्येक इंद्रिय पर पूरा कंट्रोल, यही प्रत्यक्षता की डेट हो जाएगी। और वो टाइम तो बाबा ने क्लियर कर दिया, कृष्ण जयंती बच्चे की जयंती दो बाप की जयंती। आधा रूप तो हो गया, कृष्ण रूपी बच्चा जो पहला पत्ता है उसका ब्राह्मणत्व के जीवन में पहला जन्म हो गया। ब्राह्मण का पहला जन्म होता है शरीर पे और दूसरा जन्म माना जाता है यज्ञोपवीत। तीन ज्ञान के सूत्र हैं और तीनों का एक परम ब्रह्म में बांधा हुआ बंधन जो अविनाशी बंधन साबित हो जाए। दुनिया में कोई कितना भी तोड़ना चाहे लेकिन वो टूट न सके। ऐसी तीन मूर्तियां जो ज्ञान सूत्र को धारण करने वाली है
उनके जन्म जन्मांतर के राग खुलने लगे, सब कहेंगे त्रिमूर्ति शिव जयंती हुई। फिर उसी आधार पर बच्चों के भी जन्म जन्मांतर खुलने लगेंगे। इसलिए झाड़ में भी तीन हिस्से दिखाए गए हैं मुख्य, मनुष्य चैत्य रूपी जो कल्प वृक्ष है उसके तीन भाग हैं। एक है सीधा नीचे से ऊपर जाने वाला, कभी भी दूसरी डालियों में कन्वर्ट न होने वाला, वो है सूर्यवंशी ज्ञान सूर्य त्रिनेत्री बाप के बच्चे। दूसरे हैं चंद्रवंशी दाई ओर के धर्म में कन्वर्ट होने वाले, और तीसरे हैं जो चंद्रवंश से भी नीचे गिरे हुए हैं। बाई ओर के धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, थर्ड क्लास धर्म है। ऐसे ही ये तीन मूर्तियां हैं। जो ब्रह्मा की गोद में पलने वाले हैं, ब्रह्मा से वरदान पाने वाले हैं, वो सब है आसुर जाति के, अभी भी पल रहे हैं। तीनों प्रकार की जो सच्ची रूपी वृक्ष में आत्माएं हैं, उनके तीन मुखिया हैं। तीन ही मुख्य क्यूब से हैं, एक दुर्भाग एक दाई ओर कन्वर्ट होने वाला भाग और एक बाई ओर कन्वर्ट होने वाला भाग। इनको भारतीय परंपरा में नाम दे दिया है भक्ति मार्ग में, शैव संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, वैष्णववंशी, और तीसरे हैं ब्रह्म समाजी। अभी फाउंडेशन पड़ रहा है, तीनों की साथ साथ प्रत्यक्षता होगी। ब्राह्मण दुनिया में दूसरी उनका अपना पाप का हिस्सा अपना बन जाता है। जो झूठी रिपोर्ट पहुंचाएगा वो झूठखंड बनाने वाला बनेगा, झूठखंड का मुखिया बनेगा या सत्यखंड का मुखिया बनेगा? झूठखंड का बनेगा, उसको झूठी दुनिया नसीब होगी। जो बाबा के पास सच्चाई पहुंचाएगा उसको सच्ची दुनिया नसीब होगी। हमको क्या चिंता इस बात की?
दूसरे के द्वारा झूठी शिकायत पहुंचा दी जाए ऊपर, तो क्या हम झूठे हो जाएंगे? अगर उनके झूठी शिकायत पहुंचाने मात्र से हम झूठे हो जाते हैं और अपन को झूठा समझने लगे, कमजोर समझने लगे, तो हम उसकी प्रजा बनेंगे या उसके ऊपर राजा बनेंगे? हम तो उसकी प्रजा बन गए। अरे नशे में रहना चाहिए, परवासी पार ब्रह्म परमेश्वर की वो हमको मिल गया तो औरों की हमको क्या परवाह। भगवान भी किसी से प्रभावित होता है क्या? कोई झूठी शिकायत कर देगा तो भगवान प्रभावित हो जाएगा क्या? अरे भगवान भी किसी की प्रजा बनता है क्या? जो प्रेत आत्माएं प्रवेश कर रही है, भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, वो सब में प्रवेश कर जाते हैं या कोई उनका अमुक घोड़े होते हैं उसी में प्रवेश करते हैं? जो उनका हिसाब किताब वाला आदमी होगा, पूर्वजन्म का हिसाब किताब जिसके साथ जुड़ा होगा उसी में प्रवेश करेंगे, दूसरे में तो प्रवेश नहीं कर सकते। तो वो आत्माएं अपने पूर्वजन्म का हिसाब किताब पूरा करने के लिए किसी कमजोर आत्मा में प्रवेश करते हैं। और ब्राह्मणों की दुनिया में अगर कोई कमजोर आत्मा बने और अपने को ब्राह्मण भी कहे तो ये तो अच्छी बात नहीं। बाप ने तो हमको पहला पाठ ही पढ़ाया है, तुम क्या हो? आत्मा हो। और जब हम आत्मा बनने की प्रैक्टिस पक्की करेंगे, हम बिंदु बन गए तो सूक्ष्म शरीर बड़ा या बिंदु बड़ा? बिंदु बड़ा। बिंदु अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर फिर भी बड़ा है। जो बड़ा और विस्तार वाला होता है उसमें ताकत कम होती है, और जो जितना ही सूक्ष्म आत्मा होता है उसमें उतनी ही ज्यादा पावर होती है। इसलिए बाबा ने हमें तरीका बताया हुआ है कि अमृत वेले उठते उठते सबसे पहले फाउंडेशन ही इस बात का पक्का करना चाहिए, मैं ज्योति बिंदु स्टार स्वरूप आत्मा हूँ। अपने भृकुटि के मध्य में 10-15 मिनट भी खींच करके भी स्टार को देखना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्टार की स्टेज में रह करके जिस किसी में भूत प्रेत प्रवेश हुआ हो उसे देखेंगे तो वो टिकेगा नहीं, या तो नीचे नजर कर देगा। लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है, देह स्थूल है, इस स्थूल देह को जो त्यागने वाले हैं जबरियन, चाहे सुसाइड करके त्यागते हैं आपघात करके, और चाहे हत्या करके त्यागते हैं, वो आत्माएं
देह अभिमानी होती है, निकाट देह अभिमानी की आत्मा अभिमानी होती है, देह अभिमानी होती है, वो सूक्ष्म शरीर के बंधन में बंध जाती है, सूक्ष्म शरीर के बंधन में बंधने के कारण जल्दी आत्मिक स्टेज को प्राप्त नहीं कर सकती। और हम स्थूल देह के बंधन में बंधे हुए हैं, लेकिन हमें ज्ञान है, भगवान की पहचान है, हम ऐसे दुष्कर्म करने वाले ब्राह्मण नहीं हैं जो सूक्ष्म शरीर धारण करें। जो पक्के 84 जन्म लेने वाले हैं वो पक्की आत्मिक स्टेज को धारण कर सकते हैं, जिनके कम जन्म होते हैं वो पक्की आत्मिक स्टेज को न धारण करने के कारण द्वापर युग से देह अभिमान में आकर के ज्यादा पाप कर्म करते हैं और भूत प्रेत योनियों में जाते रहते हैं। दुनिया में भूत प्रेत बनने वालों की संख्या ज्यादा है या पक्की पक्की 84 जन्मों की आत्मिक स्टेज ग्रहण करने वालों की संख्या ज्यादा है? दुनिया में सारे भूत प्रेत हैं। अभी हमें तो तरीका मिल गया, यही तो हमारी लड़ाई है, इन तांत्रिकों के ऊपर कंट्रोल करना, भूत प्रेतों के ऊपर कंट्रोल करना। ये रावण संप्रदाय है, चोरों चक्के हैं, ये झूठ बोलने वाली आत्माएं हैं, झूठ बोल करके अपने को महाकाली, अपने को देवता बोल करके दूसरों से पूजा लेते हैं। इनके प्रभाव में तो हमें कभी नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर कमजोरी आती भी है, जैसे बीमारी आती है, तो डॉक्टर के पास जाना होता है। भूत प्रेत आता है तो भूत प्रेतों को कंट्रोल करने वाले जो औलिया हैं उनके पास जाना पड़ता है। ऊंची चाड़ी जब चढ़ते हैं पहाड़ पर तो कभी तूफान आने लगते हैं जोर जोर से, तो थोड़े समय के लिए नीचे उतरना पड़ता है कि नहीं? शरण लेनी पड़ती है। ऐसे ही जब तक हमारी राजयोग की संपन्न स्टेज नहीं बनी है तब तक ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि बाबा ने तो कहा है कि याद के बल से तुम्हारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, तो हम कोई दवाई नहीं खाएंगे, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। नहीं, अपनी स्थिति को देखना चाहिए कि हम किस स्टेज के पुरुषार्थी हैं। अहंकार नहीं आना चाहिए। बाबा अपेक्षा पर ही ज्यादा हावी हो जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांच विकारों के ऊपर जीत न पाने वाली आत्माएं ही तो भूत प्रेत बनती है। जो पांच विकारों के ऊपर जीत पा लेती है वो सूर्यवंशी देवता बनेंगे, पक्के 84 जन्म लेने वाले, या भूत प्रेत बनेंगे। और Whoa.